समझ नहीं आ रहा किसका रिव्यू किया जाए वीर चक्र का रिव्यू किया जाए एन राइक का रिव्यू किया जाए जो जा निसार भारती नासिर भारती सॉरी आपको मैंने पहले भी एक बार नासिर भारती वो दूसरे हैं ये दूसरे हैं जा किया जाए अपने ख़ास 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 गोल्डन ईगल का बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो पूरा क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा मतलब किस मांझे का रिव्यू किया जाए चलो आज हम रिव्यू करते हैं आपके लिए अपने बड़े ही खास मांझे का जो मतलब मेरे जो मुझे बड़ा पसंद आया मतलब कहते हैं ना कि इस मांझे को देख के ऐसा लगा कि ऐसा मांझा बना कैसे और कैसे बन गया ये ऐसा मांझा जबरदस्त मांझा तो दोस्तों आज हम आपके लिए करेंगे स्पेशल मांझे का रिव्यू वो है हमारे गोल्डन ईगल का मांझा तो करते वीडियो स्टार्ट करते हैं रिव्यू और दिखाते हैं आपको इस मांझे की खासियत जबरदस्त खासियत दिस इज था वेलकम दोस्तों वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप और कैसी हो रही है पतंग बाजी हमारे यहाँ का तो चला गया सीजन डाउन नो मोर पतंगबाजी छत से कुछ दिखता है बच्चे उड़ाते हैं एक दो दिल को बड़ा वो लगता है कि हो जाए कोई बड़े भी आ जाए बट एनी यार जो भी था हमने खूब जिया उस टाइम को अब 2022 की तैयारी करेंगे हम तब तक के लिए मैदान से पतंगबाजी चलती रहेगी बाकी काफ़ी जगहों पे स्टार्ट होने वाला है हैदराबाद कोलकाता अन काफ़ी जगहों पर लखनऊ एनोल वहाँ पर सर्दी का सीज़न होता है तो दीज गाइस आर गोइंग टू इंजॉय सो ऑल द बेस्ट गाइस आपका सीज़न बहुत बढ़िया जाए आपको बढ़िया पतंगबाजी करने को मिले और दबा के बट एक बात ध्यान रखना दोस्तों जितना हो सके चाइनीज़ मांझे को अवॉइड कीजिए जो भी यूज़ करता है उसे समझाइए प्यार से कंप्लेंट एक सोल्यूशन नहीं है बट अगर नहीं मानता तो कम्प्लेंट भी कर सकते हैं भाई क्या करें अब कोई जिद कह देना कि प्यार से ना माने तो फिर लातों से ही माना जाएगा भाई बट जितना हो सके चाइनीस मांझे को इग्नोर कीजिए लोगों को अब प्यार से समझाइए कि चाइनीस मांझा इज़ नॉट गुड फॉर यू गाइज चाइनीस मांझा बहुत खतरनाक है काफ़ी उससे जाने जाती हैं तो कृपया 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 चाइनीस मांझे को अवॉइड कीजिए बाकी दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही खास मान का रिव्यू ज़्यादातर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा कोलकाता साइड के लोगों से कि वहाँ पे गोल्डन ईगल का बहुत नाम चलता है बहुत काफ़ी डिमांड रहती है वहाँ पे और काफ़ी अच्छे रिस्पांस भी है और इनके जो इनके मेकर हैं उनके दो या तीन ब्लॉक आते हैं कि उनके मैं सेकंड ब्लॉक का मैं रिव्यू कर रहा हूँ उससे पहले भी एक माजे का मैं रिव्यू कर चुका हूँ सब कुछ बताएंगे आपको वीडियो में तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉक तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने अपने चैनल पे जिसका नाम है पतंग बाजू वी सनी जहाँ पर हम रिव्यूज करते हैं अच्छे मांझो का अच्छी पतंगों का और डिस्कस करते हैं मांझो और पतंगों के बारे में तो दोस्तों आ, मैंने बीच में मतलब पंद्रह अगस्त के टाइम पे तो काफ़ी वीडियोस मैंने वैसे शॉर्ट्स भी अपलोड करे पंद्रह अगस्त का भी अपलोड किया उसके बाद कल ही मैंने एक वन टू थ्री की डोर का किया जो लॉन्ग रेंज के लिए एक अच्छी डोर है आज डोर काम कर रहे हैं जिसको आप किस तरह के पेज पे और लड़ा दो यार बिना आंख बंद करे मतलब मेरा ये रिव्यू इसको लेके कि इसको कोई रिव्यू की जरूरत नहीं है खड़ा करो उड़ा दो और पै पेल दो बस मतलब ये मान जाए वैसा है कि बस जाएगा फराटेदार काम करके वापिस आएगा इस मांजे में इतनी खासियत है कि ये आपको मतलब रिस्पांस देगा देगा अच्छे रिस्पांस देगा और बढ़िया कट कटिंग पावर मतलब मुझे नहीं पता क्या मिलाते हैं इस पर बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है बहुत बढ़िया काट है इसके अंदर और चीज ऐसी बनाई है ना कि दिल से बनी हुई चीज़ है कि मतलब ये नहीं खाली बेचने के लिए क्वालिटी और प्यार का अजीब संगम है मतलब सलीम भाई के हाथों में जादू उनके एक्सपीरियंस में जादू इतनी बढ़िया क्वालिटी बना के दिखाई है अब आप लोग बोल रहे होंगे इतनी तारीफ़ कर दी स्टार्टिंग में तो भाई बचा ही क्या देखने के लिए बच्चा है ना भाई इसके अंदर आपको बताते हैं इस माझे की खासियत माझा दिखाएंगे प्राइस दिखाएंगे कैसे बाय कर सकते हैं सब बताऊँगा तो दोस्तों वीडियो है वन टू थ्री की डोर के ऊपर जो मैदान पे अलाउड है छतों पे तो वैसे कोई भी डोर उड़ाओ कोई टेंशन नहीं है बट मैदान पे अलाउड है कोई से कलर डोर नहीं बोलता और आज जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं वो है गोल्डन ईगल टूर्नामेंट क्वालिटी में तो आप देख सकते उसका रैपर भी गोल्ड में बना हुआ है मतलब आप देख रहे हैं कितना बढ़िया है। मैं इसको अनरैप जल्दी से करता हूँ तो दोस्तों कर दिया इसको अनरैप सबसे पहले देखिए रैपर क्या बढ़िया रैपर मतलब कैसा ना जैसा नाम वैसा रैपर मतलब पूरा गोल्ड का है मतलब उस तरीके से इसका शेड है और आप देख सकते हैं गोल्डन ईगल की इस पर बैजिंग है फ़ोन नंबर दे रखे हैं फ़ोन नंबर मैं आपको दे भी दूंगा इसका ठीक है चुबारा मतलब चार बर्स होता हुआ है यहाँ पे और ये टूर्नामेंट यूज़ है जी दोस्तों सौ वन टू थ्री की डोर है तो आप आराम से टूर्नामेंट पे लगा सकते हैं इसको अब आपको दिखाते हैं अच्छा लगता है जब इस पर लिखा आता है सनी हरियाणा लव दैट बहुत बहुत धन्यवाद यार अब आपको दिखाते हैं चरखी चरखी क्या मतलब जादू की चरखी है ये कहते हैं ना खुशियों का पिटारा है हमारे लिए ये कुछ एक्स्ट्रा था कि डोर को सिलन ना मिले बहुत बढ़िया पैकिंग आई थी पूरा प्लास्टिक में पैक करके था कि कुछ होना कुछ इस तरीके से स्टील की चरखी आप देख सकते हैं इसके ऊपर फ़ोन नंबर्स भी दे रखे हैं गोल्डन ईगल लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं सनी हरियाणा नाम सुन के मज़ा आ जाता है यार और आप देखिए डोर आपको डोर ना मतलब मुझे लगता नहीं कि निकाल के दिखानी पड़ेगी आपको वैसे दिख रहे हो कितनी टाइट चढ़ी हुई डोर कितनी बारीक डोर है दोस्तों कहते ना कि क्या चाहिए अंधे को दो आँखें और अपने को चाहिए बारिक डोर वो भी बढ़िया सूती हुई तो इस डोर में भाई साहब एक रील के आसपास यूज़ कर चुके हम इसको ओए होए हो और इसको हाथ लगाओगे ना तो मतलब वो चीज़ है ना कि कहते ना कि हाथ लगाओ तो छोड़ने का मन ना करे ये वो फूल है कि भैया इतना प्यारा मतलब इतनी प्यारी क्वालिटी बना के दी है सलीम भाई ने मान गए यार तो दोस्तों ये जो मैं कर रहा हूँ गोल्डन ईगल सलीम भाई का मांझा है और इनका इनसे पहले मैंने एक किया था रफ़ेल के नाम से वो उनका आता है लच्छी के ऊपर अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो मेरी वीडियो गैलरी में जा देख सकते हैं बाकी लिंक मैं आपका डाल दूंगा सजेशन बॉक्स के अंदर तो दोस्तों बता रहा था ये कोलकाता साइड काफ़ी फेमस है बट ऐसा नहीं है आप इसका कोरियर अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट सलीम भाई से भी मंगवा सकते हैं वो कोरियर कर देते हैं बहुत ही नेक इंसान है बात करें बहुत ही अच्छे हैं और ये नहीं कि कोई ज़्यादा फालतू की बात करते तो जो आपको चाहिए रिक्वायरमेंट बता देंगे ये पॉसिबल है कि नहीं है और ये चीज़ मिलेगी और ये चीज़ ऐसी चीज़ देंगे नो केमिकल यूज़ रख के लड़ाइए जब बिना रखे लड़ाइए रेडी टू फाइट है ये और लॉन्ग टाइम मतलब चार से पाँच साल भी आप आराम से रखिए ख़राब नहीं होगी डोर बाकायदा आपको धूप दिखानी पड़ेगी तो कोई केमिकल यूज़ नहीं है इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये दूसरा हर रेंज के हिसाब से बनी हुई डोर है हर मौसम के हिसाब से मतलब देख लीजिए जो कलर है इसके अंदर जो सताई है और जो इसमें लचीनापन है जो इसमें धार है आप इसको सर्दी गर्मी कहीं मर्जी भिड़ा दीजिए ये लड़ेगी लड़ेगी रिस्पॉन्स आएंगे आएंगे तो इस तरीके से तैयार की गई डोर है कि आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि भैया मैं सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में वो आप बता दीजिए अच्छी बात है बट जो तैयार करते हैं ना वो कहते हैं ना कि ऐसी सीजनल डोर तैयार नहीं करते उनका मेन मकसद है कि ऐसी डोर बने जो भैया जब मर्जी लड़ जाए ऐसे उसमें मतलब उनके इंग्रेडिएंट जो भी वो अपने कहते हैं ना कि जिस जो भी मतलब मटेरियल डालते हैं ना वो ऐसे डालते हैं कि वो आपके हर मौसम में कामयाब रहते हैं और उस तरीके से ही काम करते हैं और ये हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे इन्होंने चरखी लगाई थी वैसे इस पर दूसरी चरखी आती है बट आप भी खाएँगे तो आपके लिए भी लगा देंगे खासियत मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ जिस जैसे मर्जी पेच पे चाहे आपको 400 मीटर पे लड़ाना हो फा के चाहे खींच के चाहे 800 मीटर पे चाहे हजार मीटर पे चाहे ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह जहाँ मर्जी लड़ाने का मन करे खड़े करके लड़ा दो इस डोर को यार कोई कमी नहीं आएगी आपको मतलब ये वो क्वालिटी है कि मतलब एक नौसखिया भी पकड़ेगा ना मतलब जो अंड्रेड एक न्यू बाय होता है जो पतंगबाजी में तो वो भी कहेगा यार डोर को पकड़ने में मज़ा आ रहा है डोर में कुछ ना कुछ तो खासियत है मतलब मैं आपको डोर निकाल के दिखाता हूँ वो तो मैं भूल जाता हूँ ये देखिए दोस्तों ये डोर निकली है और आप देख सकते हैं कितनी ही बाहरी डोर है कितनी महिम डोर जिसे बोलते हैं ना और एक नंबर का बढ़िया लगा हुआ काटा आप देख सकते हैं यार क्या चीज़ बनी हुई है और सबसे बड़ी बात क्वालिटी ऑफ डोर जब आप इसको उड़ाएंगे वही आपको पता चल जाएगा कोई लच्छी का मांझा नहीं है दोस्तों बट बिना लच्छी करे भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है ये मतलब चीज में जाने मैदानी धूल्हा जो भी है मान जाए उसको बोलते हैं चीज में जाने रिस्पॉन्स देने वाली चीज़ है किसी भी एंगल से ऐसी नहीं है कि आपको खराब इसका वो आएगा आउटपुट आएंगे बकायदा आपके पेज अच्छे हैं तो ये आपके पेज को डबल एनहैंस करेगी मतलब अगर आपका पेज लड़ रहा है बढ़िया और आपकी है अच्छी स्किल्स तो उस स्किल्स में आपको सोने पे सुहागा वाला काम है ये डोर मस्ट यूज डोर है दोस्तों किसी भी मौसम में उड़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन डोर है ये सलीम भाई की गोल्डन ईगल एक इनका जगवार आता है वो भी बहुत जल्दी हम आपके लिए रिव्यू करेंगे तो इनके तीनों ब्लॉक आपका भाई रिव्यू कर देगा जल्दी एक तो कर चुका हूँ एक हो गया और एक जल्दी कर देंगे तो ओवरऑल मेरा रिव्यू इसको लेके है कि बेहतरीन डोर प्राइस आपका पड़ेगा 2400 से लेके 2500 के ऊपर आप डायरेक्ट मेकर से मंगवा सकते हैं बाकी दुकानदार आकर जहाँ पे भी रहते हैं आप इनसे बात करके पूछ सकते हैं कि आपके एरिया में किस दुकानदार को देते जहाँ से आप इसको ओरिजिनल बाय कर सके तो दोस्तों पच्चीस के अंदर मतलब चौबीस सौ पच्चीस की रेंज के अंदर हर तरीके से लड़ने के लिए हर मौसम में लड़ने वाली डोर है दोस्तों ये तो ओवरऑल रिव्यू यही कहूँगा कि एक बेहतरीन डोर एक बढ़िया प्राइस के साथ और हर मौसम में लड़ने वाली डोर है ये मत सोचे कि छोटे या लंबे या बड़े पेज के लिए हर तरीके पेज के लिए ये कामयाब डोर है दोस्तों तो हमारा रिव्यू इस डोर को लेके ये है कि एकदम छक्का डोर है छक्का डोर बाकी दोस्तों अगेन बोलूँगा कि डू नॉट यूज़ चाइनीज़ मांझा हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया वन टू थ्री की डोर्स इतने बढ़िया बढ़िया मेकर्स है तो आप उनका मांझा ट्राई कीजिए सस्ते ब्लॉक भी है इनके पास आप फ़ोन करेंगे तो आपको सस्ते ब्लॉक भी इनके पास वो भी मिल जाएंगे वो ट्राई कीजिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए चाइनीज़ मांझा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा मिलेगा तो दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं विद विद द रिव्यू के एक नंबर की झकास डोर बढ़िया प्राइस हर मौसम में डोर गोल्डन ईगल डोर तो दोस्तों यहीं पे करते हैं वीडियो को खत्म जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा